एक पेड़ पे एक चुड़ैल रहती, तो वह उस पेड़ से उतरते हुए नीचे पार्क में पहुंचती है, और पार्क में चलते 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 पता नहीं क्या सोचती है कि वो वहां से निकल कर कहीं और जाने की सोचती है। तो वो वहां से निकलते हुए एक जगह पहुंचती है, यानी यहाँ से निकलते हुए एक गांव में, और गांव एक गांव में चलते 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 वो एक गांव में चलती रहती है, और उस गांव को मैं जाते जाते दूसरे गांव पहुंच जाती है। जब वो दूसरे गांव पहुंचती है तो वहां पहुंच के देखती है कि ये तो मेरा गांव है, और इस गांव में पहुंच कर वो अपने घर पहुंचती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी दादी माँ, उसकी माँ और उसका भाई घर में कुछ खड़े होकर देख रहे हैं। जब वो खड़े होकर देखते हैं तो उसको देख के सब वो घबरा जाते हैं कि ये चुड़ैल हमारे घर कैसे आ गए। तो चुड़ैल बताते हैं कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं आपकी लड़की हूँ, जो मैं बहुत पहले मर चुकी थी और मैं चुड़ैल बन गई हूँ। तो वो सब लोग देख के उसको सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो बताती है अपनी कहानी बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था और मैं ऐसे मर गई थी। तो फिर सब लोग उससे पूछते हैं कि ऐसे कैसे, और तुम्हारे साथ ऐसे क्या हो गया था कि जो तुम हमें बता रही हो, अब तो तुम मर चुकी हो। तो कह रहे नहीं नहीं मैं मर तो चुकी हूँ, पर मेरा काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए आप लोग उसमें बता रहे हो कि आप मेरा जो भी अंतिम संस्कार है उसको पूरा कर दे, जिससे कि मैं अपने मोक्ष को प्राप्ति कर लूँ। तो आप लोग ही मेरे सहारे, अगर आप लोग चाहें तो सब कुछ हो सकता है, कृपया।